जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे राधे Oh,
पक्षी
जन आकाश रे अंत नाही पाए जत दूर शक्ति तत दूर पक्षी पक्षी जैसे आकाश का कोई आर पार नहीं उसका पंख में जितना ताकत हो क्या करता है उतना दूर तक उड़ता है असीम अनंत है उड़ते रहो आकाश में उसी तरह भक्ति जगत में भी भक्ति का कोई आर पार है नहीं जितने ताकत जितने गोता लगा सकते लगाओ जितने लगा सकते हो और जितने गोता लगाते रहोगे ना उतना आनंद ही आएगा उतना आनंद ही आएगा इसलिए यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं काष्ठर पुतली जनक हो के नाचाए हे मत गौर चंद्र मेरे जय बुलाए इसलिए कृष्णदास गोस्वामी इसे वर्णना करते हुए कहते हैं जैसे एक लकड़ी का है ना देखे कि नहीं हम उड़ीसा में कंडे नाच देखे से कंडे नाच नाचिए अंगूठी में जैसे हिलाएगा ऐसे मार युद्ध और ऐसे नृत्य करेगा कहते उसी तरह श्रीमान महाप्रभु मेरे से जितना बुलवाए मैं उतना कोशिश किया वर्णना करने के लिए लेकिन भगवान का जो लीला है हरि अनंत हरि कथा अनंत है भगवान की कथा की कोई आर पार नहीं अभी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का बाद सब भक्तों के ऊपर भी कृपा कर रहे उसको बाद में फिर कहाँ गए बोले कत दिन था कि प्रभु मंदिर पिताचार्य प्रभु कृपा की उसको श्रीवास पंडित घर में महाप्रभु आए अभी श्रीवास पंडित क्या कर रहे थे उन्होंने भगवान को ध्यान कर रहे थे कृष्ण ध्यान कर रहे थे ध्यान करते करते क्या हुआ इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमारी ध्यान सही सही हो ना अगर हम भगवत ध्यान अगर सचमुच से भगवत ध्यान करते क्या हो जाते ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाते इसलिए देखो ध्यान अगर सही होनी चाहिए ध्यान अगर हमारी सही होनी चाहिए कहते एक छोटी सी कथा है कहते एक समय मन में तो बड़ी भावना ठाकुर को सेवा पूजा करे हैं ठाकुर को ऐसे श्रृंगार करे ठाकुर का रत्न सिंहासन बनाए रोज ठाकुर को श्रृंगार करे लेकिन ठन ठन मदन घर में कोई पैसा है ही नहीं है अभी एक दिन वो सत्संग सुन रहा था सुनते सुनते उन्होंने सत्संग में सुना है क्या सुना अगर कोई भगवान के मानस के रूप में भी ठाकुर जी को कोई चीज दे तो ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते और खुश हो गया ठाकुर जी मन मन में सेवा कर तो खुश हो जाते हैं ओ क्या करते रोज स्नान करके एकदम ठाकुर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाते हैं और बैठ करके मानस की सेवा करते हैं इसलिए महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले ना ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करे ब्रज में राधा कृष्ण का सेवा मन मन में राधा कृष्ण का सेवा करना है क्योंकि पहले वो लोग बैरागी लोग थे उनका कुछ होता नहीं मंदिर मंदिर कुछ था नहीं वृक्षों को नीचे कहीं रह जाते थे किसी छैया को नीचे किसी तरह से जीवन यापन करते हुए भजन करते थे लेकिन प्रभुपाद ने देखा वे लोग तो भगवान का नित्य सिद्ध परिकर हम तो नित्य बद्ध है वो तो नित्य मुक्त और हम नित्य बद्ध है इसलिए प्रभुपाद ने देखा जो साधारण व्यक्ति ऐसे भजन नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने मठ मंदिर बनाया है मठ मंदिर बनाया मठ मंदिर बनने पर जो अनधिकारी व्यक्ति कम से कम आएंगे वहां रहेंगे और ठाकुर जी को स्थापन किया क्योंकि हम तो मन मन में भगवान की सेवा नहीं कर सकते हमारा मन में तो कचरा पड़ा हुआ है आंख बंद करो बीवी बच्चे दुनियादारी भाई बंधु यार दोस्त जितने गंदी चीज याद आ गया 10 मिनट के लिए आने के लिए बैठते हैं तभी मन कहां भाग जाता है क्योंकि हमारा मन जो है वो एकदम दूषित मन है इसलिए प्रभुपाद ने क्यों ठाकुर कारण यही है नहीं ठाकुर जी के लिए जैसे माला बनाते हैं ब्रज के स्वर प्रभु से ठाकुर का अर्चन करते हैं पूजा करते हैं भोग लगाते हैं ठाकुर जी को कोई रसोई बनाता है उसमें क्या होता है अब जिसके लिए अब करोगे ना जिसके लिए करोगे वही चिंता करेगा ना बद्ध जी ना जिसके लिए करोगे मन वही चिंता करेगा ऐसे करते 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 संस्कार बनते बनते
हमारे हृदय में ऐसे बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए हृदय में, बस वही चीज अपना चिंतन में उतर जाए। फिर तो उठते बैठते सोते वही चिंतन हो, है। इसे जैसे ब्रज किशोर में ठाकुर का सवेरे पूजा सेवा किया, फिर दूसरे कोई भोग लगा, फिर चिंतन क्या रहता है, शाम को ठाकुर जी का फल भोग लगाएंगे, मंदिर में फल है कि नहीं, क्या क्या फल है, क्यों सेवा करते हैं ना, इसलिए प्रभुपाद ने सेवा को प्रकाशित किया है। इसलिए अगर ये मन सेवा में लगा रहेगा हमारा कल्याण है, अगर सेवा में नहीं लगा रहेगा ना फिर कल्याण नहीं होगा। फिर हम बद्ध जीव है, मन में जितने उल्टा पुल्टा सारा दुनियादारी चिंता करते रहेगा उल्टा पुल्टा। इसलिए अगर हम सेवा में लगे रहेंगे, हम सेवा करते करते हम थोड़ी समय माला लेकर बैठो, देखना जिस चीज का आप चीज का सेवा करोगे ठाकुर के लिए कुछ है कि नहीं, आज ठाकुर को कृष्ण को ऐसे सजाएंगे, ठाकुर जी के लिए कपड़ा है कि नहीं, इधर हरे कृष्ण कर रहे हैं, इधर मन में किसी चीज चिंता कर रहे हैं ठाकुर जी। अगर सेवा नहीं करोगे ना फिर तो जो दिल में बैठा होगा वही याद आएगा, सारे दुनियादारी याद आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कृपा करके उन्होंने मंदिर स्थापन किया, ठाकुर स्थापन किया, ठाकुर की सेवा करी, रसोई बनाई, ठाकुर का बर्तन मले, ठाकुर जी की मंदिर साफ करी, है, उनका आकांत को देखे ठाकुर जी की, इसलिए उन्होंने ये सब चीज किया। कारण क्या, कारण ही उनको पता है ये बद्ध जीव कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ये सब चीजों को प्रभुपाद ने स्थापन किया। स्थापन करके फिर वो क्या करते हैं, ठाकुर को सामने बैठ करके वो क्या करते हैं, मन मन में सुंदर मंदिर बनाते हैं, वहां पर सुंदर सिंहासन बनाया, लक्ष्मी नारायण को स्थापन किया है, स्थापन करके ठाकुर को बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं और ठाकुर जी को बड़े सुंदर राजभोग भोग लगा, क्योंकि बनाना तो नहीं पड़ेगा, जो सोचो वही भोग लगा। ऐसे करते 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 ऐसे करते करते ऐसे अभिष्ट हो गई है, ऐसे अभिष्ट हो गए उसके अंदर में, क्योंकि रोज करते हैं ना, है, रोज करते हैं, उसमें इतने अभिष्ट हो गए। आज उन्होंने सोचा ठाकुर जी को बच्चा मृत में स्नान कराएं, दूध दही शक्कर घी इसको ठाकुर को स्नान कराएं, और ठाकुर जी का मखमल वल कपड़ा और जिसमें सोने की हंबरदारी का काम भी मुक्ता जिसमें जड़ा हुआ वो ठाकुर, उन्होंने लक्ष्मी नारायण को सेवा करी। बोले आज ठाकुर जी को सोने की कटोरी लाए, बोले एकदम प्योर किसकी चीज, एकदम दूध गैया का दूध घी डाल करके मिश्री काजू पिस्ता डाल करके और गोविंद को चावल में खीर बनाए और खीर बना करके अभी ठाकुर को भोग लगाएंगे। लेकिन जो भोग लगाएंगे नियम क्या है, एकदम गर्मी गर्मी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मावत सेवा करनी चाहिए। जैसे एकदम गर्मी चीज हम नहीं खा सकते, अगर कोई चीज गर्मी बना हुआ होगा थोड़ी सी उसको ठंडा कर दो, थोड़ी सी उसको ठंडा कर दो, ऐसे नहीं पूरा चूल्हे से उतरा हो तो गर्मी गर्मी ठाकुर को सामने धर दो, नहीं ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने देखा ये खीर ठंडा ना गर्मी है, उन्होंने क्या किया उसमें थोड़ा अंगूर डाला, लेकिन खीर था गर्मी, अंगूर डाला उसका अंगूर जल गए, खोखला पड़ गया, और जो एकदम चिंतन में बैठे हुए थे एकदम चिंता खुल गया, देखा सामने कुछ नहीं लेकिन अंगूर खोखला पड़ा हुआ है। बोले आज मुझे अपराध हो गया, ठाकुर जी का हम भोग नहीं लगा सके, ठाकुर जी भूखे रह गए, बैठ बैठ करके रो रहे, अभी वैकुंठ में नारायण बैठ बैठ करके मुस्कुरा रहे। बोले देखो मेरे भक्त कितना भाग में डूबा हुआ, लक्ष्मी पूछा प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोले ऐसे ऐसे मरते भक्त वो मानस की सेवा करते 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 उसका अंगूर जल गया खीर में और मेरे को भोग नहीं लगा पाया, अभी दुखी होकर बैठा हुआ रो रहा है। बोले प्रभु ऐसे ऐसे भक्त रहते, बोले हाँ, बोले प्रभु मेरे को ले चलो थोड़ा दिखाना होगा, भगवान उसको लक्ष्मी को गरुड़ को पीठ बैठकर बैठा है, बोले देख ये भक्त ले। फिर भगवान वो भक्त को लेकर के वैकुंठ चले गए। इसलिए यहाँ पर जो मानस की सेवा, इसलिए कहते कौन श्रीवास पंडित ध्यान किसको कर रहे थे, कृष्ण महाप्रभु को, कृष्ण को ध्यान कर रहे थे, करते करते ध्यान में क्या हुआ, जिनको ध्यान कर रहे थे वही स्वयं महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए। महाप्रभु प्रकट होने पर महाप्रभु का चरण को उन्होंने अपना किया और उन्हें क्रंदन किया और महाप्रभु को चरणों को प्रेम जल में ठाकुर जी को चरण को उन्होंने
अभिषेक करवाया और सबके सब रो रहे थे महाप्रभु दर्शन करते हुए, क्योंकि महाप्रभु को जो पहले दर्शन किया था घुंगड़ा लिकेश गृहस्थ पे, सभी महाप्रभु का मुंडन किए, महाप्रभु का सर पर कोई बाल है ही नहीं, हैं सन्यास वेश में सब भक्त लोग रो रहे थे, हैं अभी सब भक्त लोग यहाँ पर आए, इतने में धीरे सब भक्त धीरे धीरे भक्त लोग आ रहे हैं, बोले कौन कौन आ रहे थे, बोले पुरंदर वासुदेव शिवानंद से वासुदेव दत्त ये सब के सब आ रहे थे, आकर के महाप्रभु सबकी प्रशंसा कर रहे थे। एक दिन करते करते महाप्रभु श्रीवास पंडित को एक बात बताए, बोले श्रीवास एक दिन प्रभु श्रीवास सहित व्यवहार कथा किछु कहे तनिवृत, एकांत में बैठी करके महाप्रभु श्रीवास को साथ में कुछ व्यवहारिक कथा कर रहे थे। व्यवहारिक मतलब कृष्ण कथा छोड़कर के साधारण जो बात संसार की जो बात है, हैं कौन सा बात कर रहे थे, देखी कोथायो ना केमते वाग कुलाइवे केमते कुला, तुम चार भाई हो और चार भाइयों का चार पत्नी है और देखता हूँ तुम कहीं हर काम करोगे, तुम संसार के बन कुला हैं, कैसे तुम ये घर गृहस्थ को पालोगे, कितने बड़े संसार है, हैं काम धाम तो कुछ करो। देखो भक्त लोग कितने महाभगवान का प्रति कितने दृढ़ विश्वास है, हैं कितना दृढ़ विश्वास है, कितने में है। तब श्रीवास पंडित कहते हैं मेरे प्रभु कहीं जाने का इच्छा नहीं करता है, कहीं जाने का इच्छा नहीं करता है। तब महाप्रभु बोले तो परिवार को कैसे पालोगे, इच्छा नहीं करता है काम चलेगा, परिवार को पालोगे कैसे है। तब उसने बोले बोले प्रभु जहाँ भाग्य में होगा वो अपने आप मिलेगा, जगत में कोई दुख को बुलाता है घर में नहीं बुलाता है, बिना दुख बुलाए हुए दुख आता है कि नहीं आता है ना, जो भाग्य में होगा मिलेगा है। महाप्रभु बोले अगर ऐसे गए तो फिर घर पर छोड़ो सन्यासी बनो, मेरे जैसे सन्यासी बन जाओ, घर वाले छोड़ो अरे सन्यासी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। बोले मैं नहीं कर सकता, मैं सन्यासी नहीं बन सकता, मेरा अधिकार नहीं सन्यासी बनने का। बोले सन्यासी भी नहीं बनोगे, घर गृहस्थ रहोगे, काम धाम नहीं करोगे, फिर कैसे चलेगा है, तो कैसे चलेगा, कितने में तो कितने में किछु, अगर घर में तुम्हारी कुछ नहीं आएगा तो तुम खाएगा कैसे, क्या करोगे, कितने में। श्रीवास पंडित क्या बोले, श्रीवास बोले ने आते तीन ताली दिया इसको सुन करके, तुम लोग क्यों जा रहे, इसलिए श्रीवास पंडित ने हाथों में तीना ताली उन्होंने बजाया। जब ताली बजाया महाप्रभु बोले भैया मैं पूछ रहा हूँ तुम काम धाम नहीं करोगे, कहते तो कोई मन नहीं जाता है, तुम कैसे संसार चलाओगे, अब तुम तीन ताली क्यों बजा दिया है, ये इसका अर्थ क्या है। बोले प्रभु तेरे नाम को लेकर के मैं देखूंगा मेरे घर में कुछ आता है नहीं, तेरे नाम को लेकर के देखूंगा, पहला दिन देखूंगा दूसरे दिन देखूंगा तीसरे दिन देखूंगा, अगर कुछ नहीं आएगा ना सोचेगा तुम गीता में सब झूठ मूठ का बात बोल दिया है, गीता में क्या बोले, क्या बोले गीता में बोलो बोलो जोर से, इसका मतलब बताओ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्लोक है ना, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य, अनन्य मतलब होता है और कोई देवा देवी को उपासना नहीं करते हैं, और किसी
ऐसे नहीं सोमवार हो गया तो शंकर जी मंदिर में बम बम भोले बाबा करने लग गए, मंगलवार हो गया तो श्री गणेश श्री हनुमंत लाल जी को, बुधवार हो गया तो गणेश जी को, बृहस्पति होगा तो लक्ष्मी जी को, कद नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। अनन्य कद न अन्य और किसी देवा देवी की नहीं और कोई उपाय नहीं करता है। अनन्य चिंता है तमाम जो मेरे चिंता करता है, परजुपासती प्रकृष्ट रूप में पूर्ण रूप में मेरे को जो विश्वास जो उपासना करता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो काम करता हूँ। जो चीज नहीं मैं स्वयं वो चीज को सर पर रख करके घर में पहुंचाता हूँ, और जो चीज है मैं स्वयं द्वारपाल बन करके उसको रखा करता हूँ। भगवान कितना बड़ा उन्होंने उन्होंने लिया, देखो इसका देखो हम लोग क्या करते हो, दिन भर तो कीर्तन ही करते हो और कुछ करते हो, हरि नाम कीर्तन भजन इसको छोड़कर कुछ नहीं करते हो। आज हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, एक व्यक्ति को देखा उन्होंने ले जा रहे थे कच्चा कच्चा के ले जा रहे थे। हमने पूछा इसको कला कितना पैसा लिया, बोले एक एक चार चार रुपया लिया, पहले छह छह रुपया बोला और जब मैंने बोला पूरा फेड़ा पूरा कहीं पूरा लूंगा तो उन्होंने दो रुपया कम कर दिया। मैंने कहा इतना केला क्या करोगे, बोले कुछ तो खाएंगे और कुछ बेचेंगे। मैंने कहा पहले आपका दूसरा दुकान था, पहले माला का दुकान, फिर आपने उसके बाद में फल का दुकान बनाया, अभी फिर आप लोग फिर ये सब्जी दुकान खोल दिया, बोले अभी तो माला बिकता नहीं, बोले फल, बोले फल भी उतना नहीं बिकता है, फिर जो बिकेगा सब्जी बिकेगा, बिकने पर क्या होगा। चला देखो गृहस्थ लोग कितने चेष्टा कर रहे हैं, ये लॉकडाउन का समय में हमारे साथ में जो कार्पेट जो लकड़ी का काम कर रहे हैं ना वो क्या बोल रहे थे इसको सुन करके, बोले अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं किया, वो बोल रहा था खुद हमारे साथ में गया था जो लकड़ी का काम, ये हमें बोल रहे थे पहले तुम भी संसार में रहकर भजन करो शादी सुधा कर गृहस्थ जीवन बच गया। व्यवसाय किया माला उसको बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया, छोड़ करके फिर फल का बिजनेस किया वो भी चला ही नहीं, अभी सब्जी लेकर किसी तरह से सोच रहा है किस तरह संसार चलाए, और ये मेरे बोल रहे थे तुम घर गृहस्थी करके संसार करोगे, भगवान हो गया मैंने शादी सुधा नहीं किया, नहीं तो मेरे को भी ऐसे फंसना पड़ता, मैं अकेले अभी कोई चिंता है ही नहीं है, भजन करो शादी करता फंस जाता, अच्छा किया मैंने शादी सुधा मैंने नहीं किया अभी बचा हुआ है इसलिए। लेकिन देखो हम मंदिर में कितने 30 भक्त है, एक व्यक्ति अपना संसार चलाने के लिए एक को बाद में एक कैसे अपना संसार चलाएंगे कैसे, लेकिन हम लोग कुछ सोच रहे हैं संसार कैसे चलेगा, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खाएंगे, कुछ सोच रहे हैं, कोई सोच नहीं रहे। कारण क्या है, हम भगवान की भजन कर रहे हैं, केवल मंदिर से एक प्यार बाहर रखो संसार के लिए, पूरा कहाँ रहेंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे, कहाँ क्या ऊपर आ जाएगा, कहते एक सुख छोड़ो ना, एक थोड़ी सुख के लिए जाओ कितने सारे के लिए सोचना पड़ेगा, फिर सबका सेवा करके भी कोई खुश नहीं कर पाओगे, उसका दाली गलौज उसकी इसलिए भगवान कहते जो मेरे भजन करते हैं भक्ति करते हैं भक्ति भजन करते हैं, इसलिए भैया भगवान कहते उसका सारा दायित्व तो मैं वहन करता हूँ। कौन वहन कर रहे, कौन वहन कर रहे, जगन्नाथ जी वहन कर रहे, इसलिए हमारे श्री महाराज जी हमारे कौन महाराज जी हमारे बधाई महाराज सोच रहे थे हम अभी इतने हैं ज्यादा भक्त धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी हाथ भी धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, पैसा इतने में हटात किया हुआ मेरे पास में देखा हटात मेरे पास में एक बहुत पुराना एक व्यक्ति का फोन आया। मैंने से हमारे रूप सनातन मठ में कुछ कुछ उन्होंने चाल डबल देते हैं, हटात उसका फोन आ गया मेरे पास में 2-3 दिन पहले। मैंने कहा इसका फोन तो मेरे पास 5-6 साल के बाद आया है, 6 साल के बाद उसका
मैंने इसका फोन कैसे आ गया, फिर उनके फोन किया मैंने दो नहीं पाया तो फोन किया, फोन किया तो मेरे ने फोन किया तो फिर उन्होंने बताए जी ऐसे ऐसे सोच रहे मैं वृंदावन में हूँ। बोले वहां पर अभी मेरे को ठीक से पता नहीं, मैंने आ रहा है, मैं वैसे बोल आ रहा है वैसे बोल दिया। फिर जो घी चीनी भेज रहा हूँ थोड़ा लड्डू बना देना। बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। फिर मैंने कहा अभी मैं वहां पर नहीं हूँ, अभी मैं जगन्नाथपुरी मंदिर में हूँ, हाँ यहाँ पर हूँ, भक्त हैं अगर हो सके तो अब यहाँ के लिए भी थोड़ा। बोले ठीक है यहाँ के लिए भी थोड़ा हम सेवा फोन की है, यहाँ पर कोई परिचित व्यक्ति फोन किया। बोले चावल एक डिब्बा तेल, मैंने कहा देखो जी कैसे ऐसे ना, हाँ देखो मैंने देखा भगवान की भजन करना मेरे पूरा आश्चर्य बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी को सामने टीका किसका, बलदेव विद्याभूषण उनका भक्तों का और दिन भर उनकी ग्रंथ भजन कर रहे हो, इसलिए भगवान कैसे पता नहीं। मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, छह साल बाद में एक मित्र का अपने आप बन गया। फिर ठाकुर के साथ मालपुआ खाने की इच्छा हुई, फिर मेरे को एक भक्त ने फिर फोन किया। बोले अभी अधिक महीना है ठाकुर जी को थोड़ा मालपुआ भोग लगा देना। मैंने कहा ठीक है एक दिन नहीं, आपका नाम पर एक महीना तक मैं कोशिश करूंगा ठाकुर जी। मैंने देखा जब ठाकुर को खाने की इच्छा होता है ना ठाकुर जी की, ठाकुर जी पता नहीं किसका दिमाग में ठाकुर जी और फिर वो ठाकुर जी ना, क्योंकि बैठ बैठ करके करने वाला तो वही है, हम तो उनका सेवा कर रहे हैं उनका नाम कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर करने वाला तो वही है। इसलिए मैंने देखा जो जो खाने का इच्छा होता है ठाकुर जी की, ठाकुर जी कैसे उन्होंने इसका दिमाग में कैसे भर देते हैं, हाँ कैसे भर देते हैं। फिर मैंने श्री गौर हरि प्रभु को बोला जी आप मालपुआ बना करके रोज रोज एक महीने ठाकुर जी को मालपुआ भोग लगा। इसलिए मैंने देखा ठाकुर जी की भजन करो, ठाकुर जी क्या खाएंगे कैसे रहेंगे ठाकुर जी चिंता करते, इसलिए भगवान वे चीज को मेरा अनुभूति हो रहा है। ठाकुर जी का भजन करने से ठाकुर किसी चीज की कमी नहीं रखते हैं, केवल हमें क्या करनी चाहिए भगवान की भक्ति ठीक से हमें करनी चाहिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हैं इसलिए कहते हैं महाप्रभु उनको उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। जब उन्होंने दिन देख लूंगा तुम्हारे आदेश को पालन कर रहा हूँ, तेरे आदेश से पालन कर रहा हूँ, तेरे नाम कीर्तन यही तो कर रहा हूँ, और तो कर ही कुछ कर नहीं रहा हूँ। इसलिए मैं मेरे को विश्वास है तुमने गीता में जो बोला है ना वो सच बात है, इसलिए तेरे आदेश को ही मैंने अपना सिरधार्य करते हुए मैं पालन कर रहा हूँ। हैं जब ये बात को उन्होंने बताई, इस बात को सुन करके ना महाप्रभु इतने खुश हुए, महाप्रभु ओंकार करने लग गए। तो महाप्रभु कह रहे बोले श्रीवास तुम्हारे जदि कदाचित वा लक्ष्मी ओ भिक्षा करे तथापि ओ नहीं वो तोर घरे, इतना बड़ा वरदान पर कभी लक्ष्मी भी, अगर लक्ष्मी को कभी अगर कभी भिक्षा करने पड़ जाए लेकिन तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, इतना बड़ा भगवान ने वरदान किया। इसलिए हम क्या करनी चाहिए हर समय भगवान की चिंता उनका कीर्तन में बस डूबे रहो। जगन्नाथ बैठे सारे दायित्व को लेने वाले, प्लस जगन्नाथ महाप्रभु की, प्लस सचिनंदन गौर हरि की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कहते ना भक्ति स्थिर तरह भगवान जति स्याद दैव ने दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं बकुंदा जलि सर्वदस्मान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। इसलिए हृदय में जब भगवान की भक्ति आ जाए, भजन करने भक्ति आ जाए, क्या होता है जो लोग साधारण लोग जिसे धर्म अर्थ काम के लिए
कितने परिश्रम करते हैं, वो क्या होता है, धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, या तो समय को प्रतीक्षा करते हैं कब भक्त लोग हमें थोड़ी सी अपना सेवा में लगाइए। मुक्ति कहते घर को बाहर हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि भक्त हमें थोड़ा सेवा में लगा ले। इसलिए यहाँ कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये अपनी आप भक्तों घर में आते हैं, लेकिन मेरे भक्त लोग क्या करते हैं उसका भाग है, भाग यहाँ से उनको भगाते रहती हैं। और कहते हैं मोर सुदर्शन दास, कहते मेरे जो सुदर्शन चक्र है, इसलिए अम्बरीश महाराज के लिए सुदर्शन चक्र भेजा है ना, उन्होंने सुदर्शन चक्र भेज दिया, क्यों बोले मेरे भक्तों को तुम हर समय में रक्षा करो है। इसलिए कृत्या को जब राक्षस आया सुदर्शन चक्र स्वयं प्रकट होकर उसको पत किया और दुर्वासा को पीछे उन्होंने भगा है, चक्र उनको हर समय रक्षा करता है। बोले कौन चिंता मोर सेवक, अरे भक्ष कौन चिंता भक्ष करी मोई जा। यहाँ पर महाप्रभु कितने बड़ी बात भक्त के लिए कहते, कितने बड़ी बात, कौन चिंता मोर सेवा करे हैं भक्ष कर, इसलिए मेरे सेवाओं का कोई चिंता नहीं। बोले कारण क्या है, कर जब मैं स्वयं मेरे अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ, मेरे भक्तों को जब मैं स्वयं रक्षा करता हूँ भैया उनको जगत में कौन क्या बिगाड़ सकता है। बोले सुखे श्रीनिवास तुम्हें बसी था को घरे, अपनी आशीर्वाद तुम्हारे द्वारे, चिंता मत अपना घर में रहो, अपना घर में रहो और क्या करो हर समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे आदेश को पालन करते हुए उनका भजन करो और अद्वैत तुम्हार अमार एक बार कितना बड़ा आदेश दे है। श्री अद्वैत आचार्य जो कह रहे हैं ये मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को, अद्वैत आचार्य कभी भी तुम्हारे अंदर में जरा ग्रस्त नहीं आएगा, मतलब कभी तुम बूढ़े नहीं बनोगे हैं, कभी तुम बूढ़े नहीं बनोगे मेरे भजन करते करते करते। अनाशन मरणम बिना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथम शरणम, मतलब अनायास में शरीर छोड़ना है। कोई कोई लोग होता ना अंतिम समय में साल साल तक पड़े रहते हैं उसमें सड़ते रहते हैं, और बिना दैन्यन जीवनम किस किस के जीवन में, लेकिन कहते अनाराधित गोविंद चरणम कथम शरणम, अगर भगवान की भक्ति नहीं करे तो कैसे जीवन आसानी से बीतेगा, कैसे अनायास में मरण होगा, कैसे भगवान की भजन के द्वारा को देखकर महाप्रभु शिक्षा क्या दे रहे हैं। मेरी भक्ति करो, कोई चिंता मत करो, तुम्हारी जीवन बड़े आसानी से बड़े आनंद से तुम्हारी बन जाएगा। इसलिए हमारे गौरव हरि प्रभु भी कुछ ब्याह से पैसा लिया और कुछ भक्तों को सेवा में कुछ दे दिया, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krish